हेलो दोस्तों, अगर आपको सिंगिंग का शौक है पर अभी लॉकडाउन की वजह से आप क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो आप घर पे ही बैठ के सिंगिंग का प्रैक्टिस कर सकते हो। एक काफी अच्छा ऐप है रियाज, जिससे आप घर पे ही वोकल का ट्रेनिंग कर सकते हो। इसमें काफी सारे ऑप्शन है, जैसे इंडियन क्लासिकल हो गया, कर्नाटिक स्टाइल हो गया, एंड आपको काफी अच्छे अच्छे टीचर्स भी मिलेंगे गाइड करने के लिए। एंड इसमें आपको काफी सारे लेवल्स मिल जाएंगे, तो आप अपने लेवल के हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अभी आप घर पे ही प्रैक्टिस कीजिए एंड अपना प्रोग्रेस खुद चेक कीजिए। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग सीखेंगे सिप टांडव का ट्यून यूकुलेले पे। तो काफ़ी मज़ा आएगा, इसको सीखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्यून है और आपका काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस भी होगा इससे। तो मैं इसको पार्ट बाय पार्ट ब्रेक करके आपको बता दूंगा, आप इसको आराम से सीख लोगे। तो इसके रिटर्न टैब्स के लिए आप acosta.com चेक कर सकते हो, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ पर आप टैब्स को प्ले करके उसका टाइमिंग भी सुन सकते हो, जिससे उसको सीखने में आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। एंड मैं चैनल के मेंबर्स के लिए इसका बैक एंड ट्रैक अपलोड कर दूंगा, वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप भी चैनल के मेंबर बन सकते हो, नीचे ज्वाइन बटन का ऑप्शन आ रहा होगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंबरशिप का लिंक दे दूंगा। तो चलिए भाई, आज के लेसन स्टार्ट करते हैं। तो आइए इसका पहला पार्ट देखते हैं, मैं स्लोली प्ले करता हूँ, आप टैब्स को फॉलो कर सकते हो। सिंपल है काफी। आपको पहले क्या करना है, ओपन स्ट्रिंग फर्स्ट स्ट्रिंग को 8 टाइम्स प्ले करना है, दो बार 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक पिक करना है, देन प्ले करना है फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, अगेन फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट। तो इसको आपको 3 बार रिपीट करना है। और एक बार, और एक बार, देन क्या करेंगे, ये पार्ट प्ले करेंगे लाइक दिस। तो मैंने थोड़ा इम्प्रोवाइज किया है, आपका सिंपल नोट्स प्ले हो रहा है पर मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा नोट्स यहाँ पे स्लाइड करके लगाया है। तो आपका कैसा जा रहा है? सेकंड स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट, इसको पिक करेंगे, तो हल्का सा स्लाइड करके लाएंगे सिक्स पे, देन वापस बैक टू फाइव। तो सिक्स नोट थोड़ा इंप्रोवाइज करेंगे, काफी अच्छा लगेगा सुनने में। नॉर्मल आपका फिफ्थ पे चलता है पर मैंने थोड़ा इसको स्लाइड करके लाया सिक्स पे, थोड़ा अच्छा लगेगा सुनने में। तो फिर से देखते हैं स्लोली, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, देन स्लाइड करके, ठीक है, देन आपका आएगा, इसको स्लाइड करेंगे 6 to 9, तो यहां पे मैं इंप्रोवाइज कर रहा हूं या ये नोट ला रहा हूं, थोड़ा अच्छा लगे सुनने में इसको, ठीक है। तो क्या हो गया सेकंड पार्ट आपका, 6 to 9 स्लाइड। अब टाइम्स देखिए कितना टाइम्स प्ले हो रहा है, मैं स्लोली प्ले करता हूं, ठीक है, ये आपका पहला 2 लाइंस हो गया। तो एक फ्लो में दोनों लाइंस देखते हैं, बस आपको अल्टरनेट पिकिंग करना है इसको। तो चलिए इसका नेक्स्ट लाइन देखते हैं अभी। तो इसका नेक्स्ट लाइन पूरा सेम आपका पहला लाइन जैसा ही स्टार्ट, आपको वैसे ही होगा, तो आपका सेकंड लाइन में थोड़ा सा चेंज करेंगे एंड की ओर, आपका स्टार्ट वैसे ही होगा 6 to 9 स्लाइड। थोड़ा नोट्स आपको कम प्ले करना है, ठीक है। पहला कैसा हो रहा था सेकंड लाइन आपका, एक्स्ट्रा नोट्स आ रहा था, अभी प्ले करेंगे,
सेवा सेवा सेवा, तीन बार, 6-5, 6-5, 6-5। तो चलिए सेकंड पार्ट एक स्लो में देखते हैं स्टार्टिंग से। सिंपल। तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अभी। तो इसका नेक्स्ट पार्ट पूरा सेम आपका पहला दो पार्ट्स जैसा ही, सेम रिपीट कीजिए पूरा। देन आपका चेंज होगा, तो आपका आ रहा है फर्स्ट इन फिफ्थ फ्रेट 7, बस आपको काउंट करना है कहां पे कितना नोट्स प्ले हो रहा है। मैं स्लोली प्ले करता हूं, आप टैब्स को फॉलो कीजिए। 5-7 ठीक है, आपको टाइमिंग में लेना है। देन आपका सेकंड लाइन जैसे हो रहा था, वो पार्ट ठीक है। तो क्या जा रहा आपका, इसे बस एक बार करेंगे 6-5। तो ये पार्ट एक फ्लो में देखते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट लाइन देखते हैं अभी। तो आपका नेक्स्ट लाइन आएगा फोर्थ स्ट्रिंग पे, तो आपको कैसा जा रहा है, टाइमिंग प्ले कीजिए इसको, टाइप फॉलो कीजिए। सिंपल है काफी। देन आपका आएगा 5-6-9 स्लाइड, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा स्लाइड बैक करेंगे लाइक दिस 5-6-9 स्लाइड, 9-6, 6-5, 3-6-5। तो कैसा हो गया ये पार्ट। तो ये दोनों लाइन्स एक फ्लो में देखते हैं। देन इसका लास्ट पार्ट आएगा आपका लाइक दिस, तो कैसा जाए इसका लास्ट पार्ट, 4 से स्टार्ट होगा आपका। ठीक है, 4 स्लाइड 5, अगेन 4 स्लाइड अप टू 7, 5 स्लाइड अप टू 8, 7 ठीक है लाइक दिस। देन यहीं से स्लाइड बैक, तो कैसा हो गया। तो आपका ऐसे अच्छा लगा, इसको आप लूप जैसा रिपीट कर सकते हो सभी पार्ट्स को अलग अलग लिरिक्स पे अलग अलग लाइन पे, पर मोस्टली आपका ऐसे चलता है। चलिए इसका स्ट्रमिंग पैटर्न थोड़ा सा देख लेते हैं अभी। तो स्ट्रमिंग पैटर्न काफी सिंपल है, बस आपका एक ही पैटर्न रिपीट होगा, बस आपको टाइमिंग में इसको प्ले करना है लाइक दिस। मैंने बैकग्राउंड में पूरा इसको ऐसे लूप जैसा बजाया है। तो पहला हो गया आपका ए मेजर पे डाउन स्ट्रम, देन आपको बी फ्लैट पर करना है डाउन करना है, देन सभी स्ट्रिंग्स को छोड़ देना, ओपन स्ट्रिंग्स पे डाउन करना है, अगेन बी फ्लैट में डाउन करना है, बैक टू ए मेजर, आपको इसको लूप जैसा रिपीट करना है। तो इसको स्टार्टिंग से देखते हैं, ए देन बी फ्लैट, ओपन बी फ्लैट, ए
फ्लैट ओपन बी फ्लैट सी, ठीक है, इसको आपको ऐसे लूप जैसा लेना है। तो अब थ्रू आउट दिस सॉन्ग इसको ऐसे प्ले कीजिए और उसके ऊपर लीड को प्ले कीजिए। तो और हो सके इसका बैकिंग ट्रैक मैं दे दूंगा चैनल मेंबर्स के लिए, नहीं तो एंड में इसको अपलोड कर दूंगा, आप उसके साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो आज का लेसन यहीं पे रखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग लेसन, इसको जरूर प्ले कीजिए, अगर हो सके तो मुझे टैग कीजिए इंस्टाग्राम पे ताकि मैं भी देख सकूं आप कैसा सीख रहे हो इसको। तो चलिए आज का लेसन यहीं पे रखते हैं, मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।